हेलो फ्रेंड्स, तड़का सेहत का में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी लेकर आई हूँ बेबीज़ के लिए, जो काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस से भरी है, जिससे सारा दिन बच्चों को पेट भरा हुआ एनर्जी महसूस हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पोहा और 2 टेबलस्पून ओट्स ले लिया है। आपको क्या करना है, एक बॉल में आप इसे दोनों को डाल दीजिए, 2 पानी से अच्छे से धो लीजिए और 5 से 7 मिनट तक इसे भिगो के रख दीजिए। अब जो एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, इसकी हम प्यूरी बना लेना है। अब एक कुकर में थोड़ा सा घी डाल के उसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हींग पाउडर अगर आप ऑप्शनल है बिल्कुल डाल सकते हो तो, और थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल के टोमेटो प्यूरी डाल दी है। टोमेटो प्यूरी मैंने आधी ही डाली है, आधी बचा के रख दी है, मुझे ज़्यादा लग रही थी इसलिए। अब इसमें भिगोए हुए पोहा और ओट्स डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें स्वादानुसार नमक, और अगर आपका बेबी 1 साल के नीचे है तो आप नमक और शुगर अवॉइड करें, और 1 साल के ऊपर है तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। इस कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे हम फुल फ्लेम पे 2 से 3 सीटियां ले लेंगे। तो ये देखें, हमारा यम्मी यम्मी बेबी ब्रेकफास्ट रेडी है। पोहा, टमाटर, ओट्स, खिचड़ी, दलिया या फिर सूप बोल लीजिए, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये देखिए, यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी है। आपको ये कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके साथ मैं और भी ऐसी नई नई रेसिपी शेयर करूँगी, काफ़ी ज़्यादा यम्मी ब्रेकफास्ट है। आप चाहे तो लंच डिनर में भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।